अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज ये सुबह सुबह का टाइम है और मेरे वाजिज़ बहुत गंदे हो रहे थे क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले मेहमान आए थे, तो वो बुके वगैरह लेके आए, हमने ख़ुद भी फ्लावर्स वगैरह लिए हुए थे, तो चार पांच हमारे वाजिज़ जो थे वो ख़राब एक साथ ही हुए थे। अब मैंने सबको खाली किया और मैंने देखा कि इनमें बहुत निशान गहरे गहरे पड़ गए हैं, और अगर मैं इनको डिशवॉशर में भी लगाऊंगी तो वो वैसे तो धुल जाएंगे, मगर ये एक सर्कल में जो एक निशान पड़ा होता है जहाँ तक पानी होता है ख़ास तौर पे, वहाँ पे ज़रूर निशान गहरे से पड़ जाते हैं, वो नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको हाथ से धो लेती हूँ। हाथ से धोने के लिए मैंने सब में गर्म पानी डाल दिया है और मैं ये यूज़ कर रही हूँ सिरका, आम सा सिरका है जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाने पीने खाने के लिए भी और अपनी चाइनीज़ डिशेज़ वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो वो दो दो तीन तीन स्पून मैंने इसमें डाल दिया है, गर्म पानी डाला फिर सिरका डाला, और अब इसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से दाग धब्बों को जो है वो रिमूव कर दे हल्के हल्के। इतनी देर में आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं किचन का, तो मैंने भी बस दूसरे काम साथ साथ किए और थोड़ी देर में फिर मैंने सोचा आप इनको धो लेना चाहिए। तो वाज में जब फूल लगते हैं तो पानी तो देखिए डेली ही चेंज होता है, जब हम पानी चेंज कर देते हैं, मगर आप नोट करेंगे कि तीन चार दिन के बाद आप चाहे डेली पानी जो है वो चेंज करें, मगर उसमें फिर ये है कि एक पीलाहट सी भी आ जाती है और उसमें एक सर्कल में निशान पड़ जाता है, और वो मेरे ख्याल है डंडियाँ वगैरह जब गलने लगती हैं और वो अपना रंग भी छोड़ देती हैं और वो पानी को भी ख़राब करती हैं, बदबू भी आने लगती है, स्मेल आने लगती है। तो और अगर आप 8-10 दिन किसी वास में फ्लावर्स रखेंगे, जो कि अमूमन चल जाते हैं, कोई भी फ्लावर बुके लेके आए एक हफ्ते तो वो आराम से चलता है, और उसके बाद बस फूल ऐसे होते हैं जो 10 दिन भी चल जाते हैं, मगर होता ये कि वो हमारे वास को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो मैंने डिशवॉशर में एक दो दफ़ा लगाया मगर वो इतने साफ़ नहीं लगे मुझे, उसके बाद से फिर मैं यही करती हूँ कि सिरका डाल के रख देती हूँ और एक दो घंटे गर्म पानी में, और उसके बाद फिर हम धो लेते हैं। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक वास धो लिया है अपना और ये बहुत अच्छा सा साफ़ हो गया है। अच्छा, सिरका अगर नहीं डालो तब भी साफ़ हो जाता है, मगर ज़रा आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, और इतने बारीक ग्लासेस के ये वास होते हैं कि डर ये लगता है कि हम ज़ोर से इसको रगड़ेंगे तो ये टूट ना जाए। तो सिरका डालने से बस ये आसानी हो जाती है कि वो बहुत हल्के से हाथ से आप एक फोम से उसको करें तो वो साफ़ हो जाता है और वाजिज़ में कोई फिर निशान नहीं रहते, वरना वो अच्छे नहीं लगते हैं जब बहुत ज़्यादा साफ नहीं होते हमारे गुलदान। तो बस ये काम हो रहा है। ये मेरा सेरेमिक का जो जग है इसको भी मैंने इसी तरह किया है और ये भी बहुत अच्छा से साफ़ हो गया है, कोई बदबू कोई स्मेल भी इसमें नहीं रहती है। तो आप लोग भी जब अपने घर के वाजिज़ वगैरह धोएं और आप नोट करें कि उसमें निशान रह जाते हैं, तो ये वाला जो सिरका डालने वाला जो अमल है ये कीजिएगा, तो इससे यकीनन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जनाब, साथ साथ ये भी हो रहा है, और मेरा जो ये वॉश बेसिन है ये भी वाइट कलर का है, ये सेरेमिक का है, और इसकी सफाई के लिए भी वैसे तो मैं अक्सर क्लोरेक्स एक लिक्विड आता है वो यूज़ करती हूँ, मगर इस वक्त क्योंकि सिरके का काम हो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सिरका ही को यूज़ कर लिया जाए। कभी कभी मैं इस पर बेकिंग पाउडर से भी इसको साफ़ करती हूँ, तो ये बहुत ही वाइट और अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि ये वाइट है और हम लोगों के खानों में आप लोगों को पता है कि हल्दी मिर्चें होती हैं तो वो पीला पीला और जल्दी हो जाता है, चाय के निशानात भी हो जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी गंदा होता है मेरा ये वॉश बेसिन जो है। तो इसके साथ साथ मैंने वाजिज़ भी धो लिए हैं और साथ साथ ही मैं अपने जो ये सिंक है मेरा वॉश बेसिन है किचन का, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, और ये बहुत अच्छा सा साफ़ हो गया था उस दिन। तो आज का बस ये मेरा यही काम था, मैंने इन वाजिज़ को वॉश किया सुबह सुबह में और मैंने कहा इसको साफ़ करके रखा जाए क्योंकि काफ़ी ढेर लगा हुआ था सुबह से, और इनको फिर सिरका डाल के काफ़ी देर हमने छोड़ भी दिया था। ये आप देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया है, चमक गया है क्योंकि मैल कट गया है सारा, उस पर कोई येलो निशान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और सारे गुलदान भी हमारे धुल के साफ़ हो गए हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं साफ़ सुथरे, कोई धब्बा कोई उस पर निशान गोलाई में कोई रिंग में नहीं पड़ा हुआ जो कि अमूमन पड़े रह जाते हैं। तो ये भी एक काम होता है, और इत्तेफाक़ था कि इस दफ़ा हमारे पास गुलदानों में तमाम ही गुलदानों में फूल थे, और माशाल्लाह इतना अच्छा कमरा लगता है जब फ्लावर लगे हुए हों तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है।
तो बस अब इसको खुश कपड़े से जो है कोई भी आप लेकर इसको साफ से खुश कपड़े से सबको पोंछ लिया है मैंने, और ताकि ये कबर्ड में जाएं तो फिर वो गीले गीले ना जाएं, कबर्ड भी ख़राब होती है और गीले बर्तन मुझसे अंदर मैं तो नहीं रखती हूँ, यकीनन कोई भी नहीं रखता होगा। तो इसको कपड़े से हम साफ़ कर लेंगे, बहुत अच्छा सा खुश कर लिया और सारे गुलदान चमक गए हैं और अच्छा लग रहा है। और ये मेरा सेरेमिक का जो जग था ये भी बहुत साफ हो गया है, अब इसमें कोई स्मेल कोई कुछ भी नहीं है। तो जनाब ये आज का हमारा काम था। मैंने सोचा कि ये छोटी सी एक टिप है और मैं अपने गुलदान की सफाई के साथ साथ आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लूँ, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए आते हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ मिलूंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।